हेलो साथियों, नमस्कार। बीएनजे ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर जो है, प्रमुख खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं। राहत की गुहार। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एसएलपी बीएड पास को प्राथमिक शिक्षा भर्ती मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। पटना हाईकोर्ट ने भी बहारी में डीएलएड को ही योग्य माना। अगला जो है, एसटीटी अभ्यर्थियों को फोन कर ठगने का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 45 मिनट पहले मिलेगी ओएमआर सीट, कल से परीक्षा। बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कल, राज्य में 488 केंद्र बनाए। कुलपति नियुक्ति में कितने आवेदन आए, यह साफ नहीं। बीएसएससी स्नातक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 5 से। संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 10वीं और 12वीं में 12वीं का फॉर्म विलम्ब शुल्क से भर सकेंगे, लगभग 2000 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 5 धराए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से हलफनामा मांगा। नीट की 11 सीटें खाली रखने का दिया आदेश। यूपी के सभी स्कूलों को 2 माह में बिजली कनेक्शन। राज्य के हर प्लस टू स्कूल में 1160 विद्यार्थियों किया जाएगा शिफ्ट। प्लस टू स्कूलों में विलय का विरोध, इंटर कॉलेज में आज ले सकेंगे लटकेंगे ताले। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए फर्जीवाड़े की साजिश विफल। आज से 2000 विलंब शुल्क के साथ सीबीएसई के छात्र भरेंगे परीक्षा फॉर्म। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 5 से 9 तक होगी स्क्रूटनी। बीएसएससी की है ये, 2 प्रतियों में होगी सिपाही बहाली की उत्तर पुस्तिका। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 297 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्कूलों में होने वाली साप्ताहिक परीक्षा का पाठ्यक्रम हुआ जारी। शिक्षक भर्ती मामले में सरकार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी दायर। पीयू पटना यूनिवर्सिटी शिक्षा बहाल हुए पर लोक प्रशासन के पीयू अब तक स्वीकृति नहीं। इस साल दाखिला लेने वाले मात्र 74 छात्रों का ही डाटा पोर्टल पर। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का रिजल्ट जारी। 69वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को 11:15 बजे मिलेगी ओएमआर सीट। 320 इंटर कॉलेज अब अतीत बन जाएंगे। अठारह ट्रेनों का समय 1 अक्टूबर से बदलेगा। चोटिल अक्षर की जगह अश्विन टीम में रहेगा शामिल। 1 साल बाद सूरज की धरती पर लौटे 3 अंतरिक्ष यात्री। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन का निधन। मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तो ये जो है कुछ मुख्य समाचार आज के रहे। यदि जानकारी अच्छा लगे, न्यूज़ अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।